सिग्नेचर्स। आज हमारे पास है नोकिया की तरफ से नोकिया का 150 मॉडल, नोकिया 150, जिसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे और कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे, प्राइस के हवाले से डिस्कस करेंगे एंड कीपैड फोन्स के हवाले से, जो है कीपैड फोन कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस बजट में आपको जो है बेस्ट फोन मिलेगा कीपैड, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपने देखी हैं, जो कि 2.4 जो है इसका डिस्प्ले है एंड QVGA जो इसका डिस्प्ले है 2.4 इंचेस का, वायरलेस FM रेडियो है, कैमरा है विद फ्लैश VGA और बैटरी जो है आपको इसकी 19.4 आवर्स जो है टॉक टाइम देगी एंड 23.4 आवर्स जो है वो स्टैंड बाय टाइम आपको प्रोवाइड करेगी। वीडियो कैमरा है इसमें, वीडियो प्लेयर है, MP3 प्लेयर है, ब्लूटूथ है एंड हमारे पास टॉर्च है, माइक्रो USB कनेक्टर है, माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड अप टू 32 GB एंड स्नेक गेम है हमारे पास इसमें एंड सम मोर डिटेल्स हियर, नथिंग एल्स। नोकिया के फोन्स पे मोस्टली डिटेल्स को बहुत कम मेंशन किया जाता है, सो चलिए इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। इसके लिए अगेन हमारे पास हमारी छोटी नाइफ है, सील को कर देते हैं हम यहाँ पर ब्रेक और लेट्स ओपन इट अप। तो सबसे पहले आपको जो है आपका एक वारंटी कार्ड जो है आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा वारंटी कार्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका वारंटी कार्ड एंड वारंटी कार्ड पर भी जो है टर्म एंड कंडीशंस आपकी सारी डिटेल्स मेंशन है। उसके साथ साथ आपको आपका मिल जाता है मेन जो है आपका फोन, आपकी डिवाइस एंड मोर ओवर इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा चार्जर मिल जाता है, जो कि हम चेक कर लेते हैं इसकी पावर क्या है। वेल ये चार्जर आपको जो है 2.75 वॉट्स का आपका चार्जर है, जो कि 5 वोल्ट पर आपका जो है फोन को चार्ज करेगा, 5 वोल्ट DC एंड 2.75 वॉट का जो है आपका चार्जर है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी बैटरी आ जाती है, जो कि बैटरी की हमारे पास कैपेसिटी है 1020 mAh की हमारी बैटरी है और यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे नोकिया की तरफ से आ जाते हैं हेडफोन्स एंड यहाँ पर हमारा जो है आ जाता है यूजर गाइड, यूजर मैनुअल। सो दैट्स मच इन दिस बॉक्स, बॉक्स को कर देते हैं साइड पर और अपनी डिवाइस को हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर मेरे पास जो है ये इसका ब्लैक कलर में जो है मेरे पास फोन है। यहाँ पर आपके पास जो है आपका हेडफोन जैक आ जाता है, यहाँ पर आपका जो है चार्जिंग पोर्ट आ जाता है, जो कि हमारे पास माइक्रो USB चार्जर है हमारे पास, यहाँ पर आपकी माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट आ जाती है। फोन बेसिकली लेने की रीजन ये है कि कीपैड फोन मुझे रिक्वायर्ड था, तो दिस वॉज द बेस्ट चॉइस जो मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन से हट कर कीपैड फोन पर जो है टेक्स्टिंग टाइपिंग जो है बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी नोकिया की आ जाती है बैटरी, बैटरी को हम कर लेते हैं इसके अंदर इंस्टॉल और यहां से इसको हम कर लेते हैं ओपन।
सेम स्लॉट अभी हमारे एम्प्टी हैं, सेम मैं बाद में इसमें इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पर आपका जो है ये बैक साइड है, कवर हटाकर आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। डिवाइस को हम कर लेते हैं पावर ऑन। क्लॉक सेट हम करेंगे बाद में। यहाँ पर आपको क्लॉक सेट, डेट एंड टाइम सेटिंग, सारी डिटेल्स आपको मिल रही है। हम जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमने अपने फोन को कर लिया है सेट, और यहाँ आपके पास जो है कुछ ऐसी डिटेल्स हैं। यहाँ हम चले जाते हैं मेन्यू में, और मेन्यू में आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास कॉल लॉग्स आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स, अलार्म, रेडियो, मैसेजेस, आपकी स्नैप गेम एंड कैलेंडर आ जाता है, कैमरा आ जाता है, फ्लैश आ जाती है, फ्लैश लाइट आपकी आ जाती है, म्यूजिक आ जाता है MP3 एंड पिक्चर्स, वीडियोस, कैलकुलेटर, फाइल मैनेजर, ब्लूटूथ का ऑप्शन है आपके पास एंड सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के बाद एक दो गेम्स हमारे पास और हैं जो कि एयर स्ट्राइक है एंड निंजा आप। कैमरा हम इसका ओपन कर लेते हैं एंड प्लीज इंसर्ट मेमोरी कार्ड। फोन फाइनली हमारा हो चुका है सेटअप, इसको हम रखते हैं साइड पर एंड कुछ इसकी डिटेल्स जो है हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ यहाँ पर कुछ खास डिटेल्स जो है इसकी बॉक्स पर नहीं दी जाती हैं। ये हमारे पास ब्लैक कलर में है एंड नोकिया 150 इसका मॉडल है। ब्लैक कलर में हमारे पास ये है, ये आपको रेड कलर में भी आता है और एक ब्लू कलर में आता है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी आ जाती है नोकिया की एक हेडफोन्स आ जाते हैं हमारे पास, नोकिया की हैंड फ्री जो कि लाइक बहुत टाइम से नोकिया की जो है हेडफोन्स आ रहे हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, बट इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। नोकिया के मोस्टली आपको जो है कीपैड फोन, जितने भी आपके कीपैड फोन हैं उनमें आपको ये एसेसरीज के हवाले से नोकिया ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जबकि आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें 2021 में तो सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज तक में इवन चार्जर तक आना बंद हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो सैमसंग का फोन लॉन्च हुआ है जो कि है S21 अल्ट्रा 5G, उसमें आपको हेडफोन्स तो छोड़िए, आपको आपकी पावर ब्रिक भी नहीं मिलती, चार्जर भी नहीं मिलता है, ना ही आपको USB केबल मिलती है। आई थिंक जिस USB केबल मिलती है लेकिन आपको चार्जिंग ब्रिक भी नहीं देखने को मिलती उसमें, और ना ही आपके हेडफोन होते हैं, जस्ट एक डिवाइस है, यूजर गाइड है एंड आपकी जो है USB टाइप सी की केबल है एंड दैट्स ऑल। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग एंड एक छोटा सा रिव्यू भी था। ये फोन मैंने जो है परचेज किया है अपनी बेसिक यूजेज के लिए, नॉर्मल यूजेज के लिए, जिसमें मुझे टेक्स्टिंग वगैरह जो है कीपैड फोन रिक्वायर्ड था मुझे टेक्स्टिंग के लिए, तो इसलिए मुझे फ़ोन परचेज करना पड़ा। एंड अगर आप अंडर 5000 की रेंज में जो है अगर आप कीपैड फ़ोन सर्च कर रहे हैं मार्केट में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्यों मोबाइल है एंड डिफरेंट चाइनीज ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, बट अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं एंड पाकिस्तान में जो है एक बेस्ट ब्रांड की बात करते हैं, अगर आप क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो नोकिया के जो है नोकिया के फोन हमेशा से पाकिस्तान में नोकिया के फोन बहुत ही टॉप क्लास के रहे हैं। बिकॉज नोकिया के जो कीपैड फोन हैं ये बहुत ही टाइम से हमारे पास यूज हो रहे हैं। नोकिया 150 आपको जो है मार्केट में रिटेल प्राइस, इसकी 150 की जो रिटेल प्राइस है वो आपको 5000 में जो है देखने को मिलेगी। 5000 रुपीज में आपको कीपैड फोन अगर रिक्वायर्ड है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोकिया 150 को परचेज कीजिए, आपकी नॉर्मल यूजेज के लिए बेस्ट फोन है, ड्यूरेबल है, ब्रांड कॉन्शियस लोग जो है वो ऑब्वियसली नोकिया को ही जो है कीपैड फोन, कीपैड फोन इंडस्ट्री में जो है नोकिया बेस्ट ब्रांड है। एंड ओवरऑल एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो थी एंड एक छोटा सा मेरा रिव्यू था। सो दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर इट, दिस इज अली अहमद साइनिंग ऑफ, अल्लाह। व्हाई एम आई लुकिंग एट यू, यू आर अ पिक्चर इन अ फ्रेम, I make believe you're next to me.
but I know it's not the same.